आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव सैफपुर पल्ला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान श्रीमती अख्तरी हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्षों में किस तरह से गाँव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक मुंडा पांडे के सैफपुर पल्ला ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास आपने अब तक अपने गांव में करवा दिए? हमने अपने गाँव के अंदर स्कूलों का सारा काम निपटवा दिया जी। ज़्यादातर स्कूलों में कराया, गांव में हमारे यहाँ कोई ऐसी टूटी फूटी सड़क ना थी जो कराई जाती। मतलब यहाँ सड़कें पहले से काफ़ी बेहतर हालत में? हाँ, बेहतर थी। और छोटा गांव है, छोटी निधि है, जैसे जैसे पैसा आया हमने स्कूलों में। और तो खरंजा भी कराया जो कल्याण पब्लिक स्कूल जो हुआ है। और ODF हो गई ग्राम पंचायत पूरी जी? ODF हो गई। आवास मिले हैं लोगों को जी? आवास मिले हैं यहाँ? हाँ, 9 आवास मिले। सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ गांव में सभी को मिला है? सभी को मिला। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा कितने परसेंट लोगों को मिला? लगभग 80% लोगों को मिला। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगी हुई है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड बने हैं सभी के? सभी के बने हैं जी। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर, ये बने हुए हैं? स्कूल के अलावा पंचायत घर और बारात घर बना हुआ नहीं है। नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र है। खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं। अस्पताल? अस्पताल नहीं। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल खरगपुर बाजी पता है, यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूरी पर जो या कोई स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है? सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पताल में दवाई वगैरह सब मिल जाती है वहाँ से ही जी। अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे आप? हमारे गांव को सुंदर बनाने के लिए तो जी धनराशि ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा विकास होगा। लेकिन कोई समस्या इस तरह की आपके गांव में आती है, जैसे कि बारातगढ़ पंचायत भवन आपने बताया कि नहीं है, तो उसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार पैसा दे या मदद दे तो आप उसका निर्माण कराएं? हाँ, इस तरह से शमशान घाट, कब्रिस्तान क्या बने हुए हैं यहाँ पर? हम शमशान घाट नहीं है, कब्रिस्तान की बहुत जी। यहाँ पर जैसे कि अब ये बीमारी फैली हुई है काफ़ी, कोरोना वायरस या और भी कई तरह की खतरनाक बीमारियां यहाँ रहती हैं, तो उसके लिए, उसके बचाव के लिए क्या दवाइयों का छिड़काव वगैरह आप करवाते हैं यहाँ गांव में? करवाया है? करवाया जी। नालियों में कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की ज़रूरत है? परिवार तो लगभग अभी 20-25 परिवार ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत है, क्योंकि छोटा गाँव है, छोटे हिसाब से। पिछली बार बन चुके 9, इस बार बन गए 20-25 परिवार ऐसे हैं जो इस लायक हैं। क्या कच्चे रास्ते गांव में अभी भी हैं? नहीं, कच्चा रास्ता कोई नहीं गांव में। कोई और समस्या ऐसी गांव में सामने आती है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार मतलब गांव में जो है मदद दे या आपकी तरफ, गांव की तरफ खास तौर से ध्यान दे? ये थोड़ी धनराशि लोगों को आने जाने के रास्ते सही हैं, सब कुछ सही है, जैसे स्कूल वगैरह, पंचायत भवन या अस्पताल वगैरह ही अगर नजदीक होगा तो ज़्यादा सुविधा। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहां बाकी हैं जिनसे लोग परेशान हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन यहां पर निर्मित नहीं है, जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए प्रधान यहां मांग रखते हैं। इसके साथ ही यहां लगभग 20-25 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है, बाकी कुछ जो कच्चे रास्ते यहाँ रह गए हैं उसके पक्के करने की भी इनकी आगे बचे हुए कार्यकाल में उम्मीद है। अशरफ अली के साथ में नाज़रीन, टुडे 24 से।